Hi, this is Tapas Mandal. Welcome to my channel Let's Learn. Today I'm going to discuss physics with brief explanation. So without wasting time, let's get started. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ATM stands for. आपके पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑटोमेटिक टैली मशीन और ऑटोमेटेड टैली मैकेनिज्म. तो देखो, ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्चुअली होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो सभी जानता है इलेक्ट्रिक बैंकिंग आउटलेट होता है जो अलाउ करते हैं कस्टमर को बेसिक जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए विदाउट द एड ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव और द टेलर. तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रहेगा वो तो मोस्ट ऑफ द ATMs पे एक्सेस कर पाएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन. तो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है यहाँ पे? आपके पास ऑप्शन है विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल एनर्जी और द जियो थर्मल एनर्जी. देखो यहाँ पे आपका सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी सबसे जो होता है वो आपका जियो थर्मल एनर्जी होता है, और जियो थर्मल एनर्जी एक हीट एनर्जी होता है जो जेनरेट एंड स्टोर होता है अर्थ के अंदर. और जियो थर्मल एनर्जी थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज़ हो रहा है बहुत सारे कंट्रीज पे. किसके लिए? कुकिंग पर्पज़ पे और हीटिंग पर्पज़ पे यूज़ होता है. तो एक सिंपली पावर है जो डिराइव्ड होता है अर्थ का इंटरनल हीट से. तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा जियो थर्मल एनर्जी, जो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी होता है. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स. सो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कौन इन्वेंट किया था? देखो आपके पास ऑप्शन है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंक, नेक्स्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नेक्स्ट एडवर्ड जेनर एंड नेक्स्ट लुइस पास्तर. देखो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था ये फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन था जो डेवलप्ड हुआ था एंड उसको इंट्रोड्यूस्ड किया था एडवर्ड जेनर 1796 पे. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हुआ था एक मिल्क मेड पे जो देखो हु हैड प्रीवियसली कॉट काउ पॉक्स. तो उसके अंदर प्रीवियसली काउ पॉक्स हुआ था लेकिन उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जो शो करता है जो इनक्यूलेटेड काउ पॉक्स ये प्रोटेक्ट कर रहा था अगेंस्ट द इनक्यूलेटेड स्मॉल पॉक्स. तो ऐसे ही डिस्कवर्ड हुआ था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का. तो यहाँ पे आपका आंसर जो है एडवर्ड जेनर इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली, मतलब फॉल हो जाएगा सडनली, तो ये कौन सा इंडिकेशन होगा? हॉट वेदर का, काम वेदर का, स्ट्रॉम और ड्राई वेदर का. देखो अगर ईयर का कोई भी टाइम पे सडन एंड द ग्रेट फ्लक्चुएशंस होता है बैरोमीटर का तो इसके वजह से क्या इंडिकेट करता है? अनसेटल्ड वेदर फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन के मतलब कुछ दिन के लिए अनसेटल्ड वेदर भी हो सकता है और ए फोर्थ नाइट भी हो सकता है, टू वीक्स तक भी रह सकता है. अगर बैरोमीटर फॉल्स टू और थ्री टेंथ ऑफ एन इंच फॉर फोर आवर्स तो वो क्या एक्सपेक्टेड होता है? देखो उसके वजह से होता है गेल ऑफ विंड, वो एक्सपेक्ट कर सकता है गेल ऑफ विंड. इफ सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द सिस्टम ऑफ द बैरोमीटर वाइब्रेट्स अपॉन द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रॉम द गेल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी सेवियर. तो वहाँ पे सेवियर हो सकता है. अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका आंसर पे है. देखो इन समर पे अगर व्हेन द बैरोमीटर फॉल्स सडनली, अगर सडनली बैरोमीटर फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो सकता है? थंडर स्टॉर्म हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है वहाँ पे. सो इफ इट डजंट राइज अगेन अपॉन इज सीजन सो द वेदर विल प्रोबेबली कंटिन्यूज अनसेटल फॉर सेवरल डेज. तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन था स्टॉर्म, ओके बैरोमीटर अगर सडनली फॉल हो जाएगा तो थंडर स्टॉर्म एक्सपेक्ट हो सकता है, थंडर स्टॉर्म आ सकता है. तो यहाँ पे ये जो है देखो रीडिंग डिप्स सडनली तो वहाँ पे आपका स्ट्रोम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म था. नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टिपिकली, तो अल्ट्रासाउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस पे होगा? देखो अबव 20 किलो हर्ज, अबव 20,000 किलो हर्ज, बिलो 20 किलो हर्ज और बिलो 2 किलो हर्ज. देखो ह्यूमन ईयर जो डिटेक्ट कर सकता है जो रेंज जो फ्रीक्वेंसी का रेंज डिटेक्ट कर सकता है ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जो ऑडिबल होता है ह्यूमन ईयर तक. अगर कोई साउंड
जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से मतलब नीचे है, बिलो 20 हर्ट्ज है, तो उसका हम बोलेंगे इंफ्रासाउंड। अगर कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, लिस्ट द रेंजेस ऑफ सम कॉमन एनिमल्स कंपेयर टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए जो लोअर फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब ह्यूमंस 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है ह्यूमन ईयर को। डॉग को कैसे सुना देता है, 50 to 45,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। कैट को सुनाई देता है 45 से 85,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। बैट्स को देखो बहुत ही ज़्यादा है, 20 हर्ट्ज से 1,20,000 हर्ट्ज तक बैट को सुनाई देता है। डॉल्फिन को और भी ज़्यादा, 25 से 2 लाख ओके हर्ट्ज तक साउंड सुनाई देता है फ्रीक्वेंसी का साउंड। और एलिफेंट का बात करें तो बहुत ही कम, 5 से 10,000 हर्ट्ज तक एलिफेंट को सुनाई देता है।